हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए व्लॉग में। और दोस्तों आज हम है जो गुजरात से राजस्थान जा रहे हैं, साथ में बड़े अंकल हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं। और दोस्तों ये व्लॉग है जो हमने 20 से ही है जो स्टार्ट किया, यानी कि शुरुआत में कोई प्लान नहीं था ये व्लॉग बनाने का। लेकिन दोस्तों मैंने देखा है राजस्थान में अपने, मैं बेसिकली जालौर ज़िले से बिलोंग करता हूँ, तो दोस्तों वहाँ पे सिटी की रोड है और यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैंने गांव के अंदर से होके हम लोग आए हैं सीधे, तो यहाँ की दोस्तों मैं रोड बताऊँगा आपको इस वीडियो में कितनी अच्छी रोड, मतलब जो अपने गांवों के रास्ते हैं ना उसमें से दोस्तों है जो अपन जाते हैं तो वहाँ की रोडें भी कितनी सुंदर। दोस्तों ये यहाँ पे एक छोटा सा गाँव है और यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, तो यहाँ आप लोग देखिएगा कितना मतलब एकदम व्यवस्थित रूप से सभी, ना किसी प्रकार का ट्रैफिक। और अपन मैंने देखा है कि वहाँ से तो यहाँ 20 गुना ज़्यादा गाड़ी है, बाइक है वगैरह चलती है। और आसपास में आप सोचेंगे बड़ी सिटी नहीं है, ये देखिए इस तरीके की कुछ है जो घर भी इस तरीके के बने हुए हैं ढाबे वगैरह की तरह। और लेकिन यहाँ सड़क देख सकते हैं कितनी एकदम तरोताज़ा बारिश हुई है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी है जो यहाँ पे रास्ता ब्लॉक होने की वगैरह ऐसी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि आज के दिन है जो कितनी सारी बारिश हुई है। तो अपने राजस्थान में जालौर में तो अधिकतर रास्ते हैं जो बिजली के तार हैं उनसे है, रास्ते वगैरह बंद हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं जो बिजली के तार वगैरह यहाँ पे देखेंगे आपको सब मतलब व्यवस्थित रूप से, जहाँ पे भी ऐसी कुछ दिक्कत है वहाँ पे अंडरग्राउंड किया हुआ है, तो यहाँ पे है जो बिजली के तार वगैरह का किसी भी तरीके की कोई भी है जो दिक्कत नहीं है। और एकदम प्लान है जो रास्ता है जहाँ पे किसी भी तरीके की है जो ड्राइविंग से लेकर या फिर चलने से बारिश के मौसम में इधर से उधर जाने आने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। यह है गुजरात के अंदर सिद्धपुर के आजू बाजू में ये ब्रिज बना हुआ है, बहुत ही शानदार ब्रिज के ऊपर है। अब आसपास में आप लोग है जो हरियाली वगैरह देख सकते हो, सब आसपास में सब खेत है, बहुत ही लंबा ब्रिज है। In 400 meters, at Khali Char Rasta, take the third exit onto Ahmedabad, Palanpur Highway Road. Right turn. और ये है अहमदाबाद पालनपुर। Exit the roundabout onto Ahmedabad Palanpur Highway Road. सिद्धपुर के अंदर से होके अहमदाबाद पालनपुर नेशनल हाईवे। Continue on Ahmedabad Palanpur Highway Road for 3 kilometers. दोस्तों ये डीसा ब्रिज है जो शुरू होने वाला है, जो कि 4 से 5 किलोमीटर लंबा है और बिल्कुल साफ सुथरा, और यहाँ पर हाईवे पे चलने वाली गाड़ियों के लिए किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ना तो ट्रैफिक जाम होता है ना किसी और प्रकार की है जो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जो कि राजस्थान में ऐसा तो बहुत एक दो कहीं अगर पूरे राजस्थान में देखने को मिलेगा, बाकी बहुत मुश्किल है इस तरीके का अगर राजस्थान में देखने को मिले।
और आसपास का क्षेत्र आप लोग देख सकते हो। यह है डीसा सिटी ब्रिज के उस पार है, दोनों साइड में आप लोग देख सकते हो सब्जी वगैरह से खेत है जो हरे भरे दिख रहे हैं। मेन सिटी के अंदर इतना खेत होना, और मेन सिटी के अंदर आपने जैसे देखा होगा इतना बड़ा खेत मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसा कहीं नहीं देखा होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं गार्डन वगैरह पास में, हॉस्पिटल वगैरह डिशा के अंदर बेस्ट सुविधाएं मिलती हैं। हॉस्पिटल के अंदर भी बहुत सारे राजस्थान के ज़्यादातर आसपास के एरियों के लोग यहीं डिशा है, पालनपुर है, हॉस्पिटल सुविधा के लिए आते हैं। और है भी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े और अच्छे डॉक्टर्स, और हॉस्पिटल की अच्छी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ये आसपास जो भी आप लोग देख रहे हैं ये पूरी डीसा सिटी है, और सिटी के अंदर ही आप लोग देखिए ये खेत है। तो ऐसा तो मैंने तो कहीं नहीं देखा कि सिटी के अंदर ही इतने बड़े बड़े खेत हो। और ये आप लोग देखिए इधर ये पूरी सिटी है, और इसमें आपने अभी देखा ये खेत है, इस साइड बड़े बड़े खेत है, छोटा भी खेत नहीं है। और ये है डीसा बस स्टैंड, टेम्पल भी है यहाँ पे। काफी 3-4 किलोमीटर है जो ब्रिज लंबा है, 5 किलोमीटर ब्रिज लंबा है। और काकू ड्राइविंग कर रहे हैं, काफी सालों का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। नई बोलेरो कैंपर लेके नवसारी गुजरात से हम जालोर डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं अपने गांव। और गाड़ी के पीछे पूरा मतलब यहाँ से तो दिखाई नहीं देगा, पूरा पैक किया हुआ है, और अंदर है जो 5-6 क्विंटल आम भरे हुए हैं, सब सबके भेंट पहुँचाने के लिए है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे साफ सुथरी जो सड़कें हैं वो आपको गुजरात में के अलावा आपको किसी और स्टेट में शायद ही ऐसा देखने को मिले। बहुत आसपास का एरिया है वो हरियाली भरा है, और सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी। राजस्थान में प्रवेश करने वाले वहाँ की भी अपन स्थिति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऐसे हम हालांकि ब्लॉग नहीं बनाते, लेकिन आज की जो स्थिति हमने देखी आते वक्त, तो फिर काकू ने बोला कि राजस्थान वाले जो भी लोग हैं उनको पता चलना चाहिए कि वो किस तरीके से और बिना मतलब लोग किस तरीके से उन्हें बना रहे हैं और वो जी रहे हैं, ताकि बाकी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो लोग ले सकते हैं। ये है डीसा के अंदर ये ब्रिज के पास ही नदी चलने वाली। अभी भी है जो ब्रिज चल रहा है, ब्रिज जो आगे बहुत लंबा है और भी, हाँ 4 किलोमीटर आगे वाला ब्रिज और है, मगर अभी हमारे को उधर जाना सही। और अब हमें यहाँ से मतलब डाइवर्ट होना पड़ेगा, बाकी एक और ब्रिज है जो कि मतलब लंबा चल ही रहा है, 4-5 किलोमीटर, ये और भी लंबा चलने वाला है। दोस्तों इतनी बारिश हुई है कि खेत भरे हुए हैं यहाँ पे दोनों साइड में, खेत मतलब पानी से पूरे लबालब हो रखे हैं। डीसा के अंदर ये देखिए मतलब डीसा टोलना का भी आ गया है, और ये देखिए आसपास का जो पूरे खेत हैं इधर आप लोग साइड में देखेंगे पूरे है जो खेत पानी से भरे हुए हैं। और ये है डीसा टोल टोलना का है, हमारी गाड़ी का टोल लगने वाला है। हाँ
अपने पेट्रोल लगा नहीं गाड़ी का, और इधर देखिए आप पानी सब, ये तो ठीक है, अच्छी तरीके से जो बनाने रोड बनाने वाले इंजीनियर ने बहुत ही माइंड से काम किया, और आसपास का जो क्षेत्र था वो उससे रोड को उठा के बनाया गया, ताकि अब ये देखिए वाहन के चलने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आसपास के क्षेत्र में पानी का भराव होने पर भी। ये इधर है कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में आलू की खेती होती है यहाँ डिशा में सबसे ज़्यादा, तो उस वजह से यहाँ पे ख़राब ना हो इसलिए कोल्ड स्टोरेज में महीना साल भर पड़े रहे तो भी है, जो कोई भी किसी भी प्रकार की खराबी नहीं होती है। और इधर देखिए बिजली के खंभे वंबे सब है जो टेढ़े हो चुके हैं और खेतों में पानी भरा हुआ है। इधर ये डीसा गांव है, डीसा गांव के बाजू में कंसारी गांव करके है, कंसारी गांव के अंदर अपने किसान के लिए जो खाद की दवाई आती है खेती के लिए, जो भी दवाई है खाद है वगैरह, इधर सबसे अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है और जो बंदे को सही है वो मिल जाती है उधर पीडिया गांव से। इधर देखिए ये हाँ बड़े बड़े जो भी दवाई वगैरह आती है तो बड़ी कंपनीज की इधर है, जो आप लोगों को हर किसी भी तरीके की दवाई वगैरह मिल जाएगी। और यहाँ पे खेती से संबंधित यंत्र का भी मतलब थ्रेसर है, ये कंसारी गांव जिसकी अंकल जी बात कर रहे थे वो, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ भी है। तो इधर है 10-20-20 हाँ अच्छी रेट से, मतलब अच्छे दाम में, और आपको हर प्रकार की दवाई है जो खाद है वो मिल जाएंगे सब खेत लबालब, हर मतलब सब खेत लबालब भर चुके हैं, आप देख सकते हैं रोड के दोनों साइड पानी है। विपद जो है तूफान से नुकसान भी बहुत सारा हुआ है, कई सारे पेड़ वगैरह गिरे हैं, बहुत सारे पक्षी है जो पेड़ों पे गुजारा करते हैं वो है जो मर गए, बाकी बहुत सारा नुकसान हुआ है। पानी तो आप लोग देख सकते हैं धानेरा के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और तूफान का भी बहुत ज़्यादा असर है यहाँ पे, दोनों साइड आप लोग देख सकते हैं मतलब पूरा पानी से भरे हुए हैं। दोस्तों ये है धानेरा पेट्रोल पंप और यहाँ पे है जो डीजल वगैरह भरवाने के लिए रुके हैं। और यहाँ की प्राइस वगैरह आप लोग देख सकते हो, ये है यूनिट प्राइस देख सकते हैं 92 रुपीज़, जो कि राजस्थान से 3-4 रुपये कम है, और पेट्रोल का 97 है। पेट्रोल का मैं आपको बता देता हूँ, पेट्रोल का 97 है, जो कि राजस्थान से लगभग 15 रुपये सस्ता मिलता है, तो ये राजस्थान का सबसे पास में पड़ते। और बहुत सारे राजस्थान की ऐसी गाड़ियां वगैरह हैं जो राजस्थान से, मतलब ये भी देख सकते हो राजस्थान की गाड़ी है, और राजस्थान से पेट्रोल भरवाने के लिए डीजल भरवाने के लिए यहाँ पर है जो लोग आते रहते, क्योंकि यहाँ है जो 15 रुपये पर लीटर है जो सस्ता मिल जाता है। यह है प्रतापपुरा के आसपास, यानी कि देख सकते हैं पानी का भरा हुआ सब जगह। ये देखिए सब मतलब खेत वेत सब है जो एक जैसे कर दिए हैं, सब पानी से लबालब भरा हुआ, इतनी खतरनाक बारिश और तूफान था कि बहुत सारे पेड़ वेड़ गिर गए हैं। और ये देखिए कितना सारा पानी है, जो सब फसल वसल जो भी बो रखी थी इधर थी वो सब पानी के साथ बह के चली गई साथ में। गुजरात बॉर्डर और राजस्थान गुजरात बॉर्डर है यहाँ पे, आप लोग आगे बोर्ड आएगा देखेंगे।
बहुत सारे टूट के गिर गए हैं। पानी देखिए आप सब, बहुत आसपास के सभी खेतों में पानी से भर गए हैं। और यहाँ से अपना शुरू होगा राजस्थान बॉर्डर, यहाँ गुजरात की सीमा यहाँ से समाप्त होती है, ये बोर्ड लगा हुआ है। हाँ अभी ये यहाँ राजस्थान के अंदर आप लोग देख सकते हैं पानी, सब आसपास के खेत वगैरह सब भरे हुए हैं। यहाँ से हम है जो अब राजस्थान में प्रवेश कर चुके हैं, सांचौर 13 किलोमीटर। यहाँ सब आसपास में सब पानी भर गया है। पेड़ पौधे ये सब पानी में डूब गए हैं। हम भी पानी के अंदर से, मतलब आप लोग देख सकते हो पानी के अंदर से हम भी निकल रहे हैं। बहुत पानी बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं आप, यहाँ आसपास के पेड़ पौधे भी आधे डूब चुके हैं अंदर। और पानी का बहाव यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कितना तेज है, बहुत ही खतरनाक, इतना तेज है पानी का बहाव भी। पेट्रोल पंप में वो पानी भर गया है सब, होटल बोर्ड, ये होटल तो डूब चुकी है, मतलब यहाँ था वो सब कुछ। हम भी जीजे किसे है, टेंशन नहीं जाओ। मतलब ये फसल वसल सब है जो पानी के साथ में ही सारी फसल डूब गई है, और आसपास के मतलब जो भी खेत वगैरह हैं सब कुछ अंदर से सब एक जैसे हो गए हैं। और यहाँ से हम अभी है जो फिलहाल राजस्थान में चल रहे हैं, और यहाँ गड्ढे वड्ढे आना शुरू हो चुके हैं। पहले ही हमने रोड को लेकर ही ये ब्लॉग शुरू किया था, और उसका असर अब आप लोगों को आगे देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप है जो हालात देख सकते हैं, गाड़ी थोड़ा हमने का तोड़े का।
दोस्तों तो ये हम राजस्थान में चल रहे हैं अभी और यहाँ की रोड आप लोग देख सकते हो। किसी विशेष रूप से टिप्पणी नहीं कर रहे हम, मतलब जो हालात है यहाँ के उसको है जो आपको बता रहे हैं और आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं इस छोटे से मीडिया माध्यम से। और इसमें आप लोग देखिएगा यहाँ पर जगह जगह पे खड्डे भी हैं और यहाँ पानी कीचड़ है, पानी भरा हुआ, और ये मेन मार्ग कहा जाए मेन सड़क है तो बागोड़ा जो कि उप तहसील है, यानी कि तो किस तरीके से जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि गुजरात में छोटे से छोटे गांव को जोड़ने वाली सड़क भी है जो एक नेशनल हाईवे की तरह है और यहाँ पे तहसील तक स्तर तक की सड़कें इस तरीके से ख़राब है जहाँ पे चलना भी है जो गाड़ी लेके मुश्किल होता जा रहा है और मुश्किल है। सही है, उधर गाड़ी की स्पीड 80 से 100 की थी और यहाँ पे अब यहाँ पे बताएं तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो 5, 9, 8, 9, 10 इस तरीके के खड्डे देख सकते हो, किस तरीके के खड्डे हैं। मतलब इसमें क्या क्या चला जाए, ये मेन बाजार है। आप यहाँ पे सिटी देखेंगे, बागोड़ा सिटी को मेन सिटी है और यहाँ देखिए मतलब आपको खुद को देख के विश्वास नहीं होगा, लाखों पब्लिक का रोजाना चल रहा है, लाखों लोग रोजाना आना जाना, बड़ी मतलब आसपास में बड़ी सुविधाएं हॉस्पिटल से लेकर अन्य सभी सुविधाओं के लिए लोग यहाँ आते हैं। लेकिन देखेंगे अपन तो बिल्कुल यहाँ पे मतलब क्या ही कहें, आप खुद समझदार हो और आसपास के क्षेत्र के हो तो आप लोग ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कि सरकार में है, राज कर रहे हैं और पैसों का क्या कर रहे हैं वो है जो आपको भी पता है। और अगर हम ही ऐसे करेंगे तो फिर देखो मेरा काम था इस चीज़ को आप तक रूबरू करवाना और इसको आगे भेजना और आगे बताना, वो आपकी जिम्मेदारी है।